बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिलिमट स्टार एकेडमी। आज हम इस्लामिक स्टडीज का जो पार्ट नंबर 2 है उसके रेलिवेंट जो एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हु वाज़ द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम के जो पहले खलीफा हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं और ये इनका जो दौर है वो 632 एडी से लेकर 634 तक रहा। और हजरत उमर फारूक जो है ये इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, इनका जो दौर है वो 634 से लेकर 644 एडी तक रहा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो दौर है वो 644 से लेकर 656 एडी तक रहा। और जो चौथे खलीफा हैं वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं, इनका जो दौर है वो 656 से लेकर 661 एडी तक रहा। हु वाज़ द सेकंड सन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का जो नाम था वो हजरत अब्दुल्ला था जबकि पहले बेटे का जो नाम था वो हजरत कासिम था। हजरत इब्राहिम सन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज बरीड इन। तो हजरत इब्राहिम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे थे जो कि जन्नतुल बकी यानी कि जो मदीना का कब्रिस्तान है वहां पर ये मदफन है। सेवंथ वाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सातवीं बीवी थी उसका जो नाम था वो हजरत ज़ैनब बिन हजश था। सूरह इज द नेम ऑफ द ओनली वन मेटल। तो इसका राइट ऑप्शन है सूरह हदीद। धात के नाम से कुरान मजीद में सूरह हदीद है। कलमा तैयबा सलात जकात हज एंड सोम आर द फंडामेंटल डैश ऑफ इस्लाम। तो इसका राइट ऑप्शन है फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम यानी कि कलमा नमाज रोजा हज और जकात इस्लाम के बुनियादी रुकन है। वट इज द नेम ऑफ द 15th पार ऑफ द होली कुरान। तो कुरान मजीद के 15वें पारे का जो नाम है वो सुबहान अल्लाजी है। जो मदनी सूरतें हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 साल तक नाजिल होती रही और जो मक्की सूरतें हैं वो 13 साल तक नाजिल होती रही। वट वाज द एज ऑफ द हजरत आयशा व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तब हजरत आयशा की जो उम्र मुबारक थी वो 18 बरस थी। हाउ मैनी अरकान रोजा है। तो रोजा जो है वो इस्लाम का तीसरा रुकन है। इस्लाम का पहला रुकन जो है वो कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा जकात और पांचवा जो है वो हज है। विच वॉज द ओनली उम्मुल मोमिनीन हु वॉज नॉट बरीड इन जन्नतुल बकी। तमाम 11 उम्महातुल मोमिनीन में से हजरत आयशा वाहद जो है जो कि जन्नतुल बकी यानी कि जो मदीना का कब्रिस्तान है ये वहां पर ये मदफन है। हजरत खतीजा वाज दी डैश पर्सन टू कन्वर्ट इस्लाम। तो हजरत खतीजा जो है ये पहली खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। हजरत खतीजा डाइड इन। तो हजरत खतीजा का जो इंतकाल है वो 619 एडी में हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो 50 बरस थी। वेयर इज द ग्रेव ऑफ हजरत शुएब। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जो मकबरा है वो जॉर्डन में है। इन हाउ मेनी डेज अल्लाह क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। तो अल्लाह ताला ने जमीन और जन्नत की जो तामीर है वो 6 दिनों में की थी। विच गजवा वाज फाउट अगेंस्ट बनी सलबा एंड बनी मोहरबा। तो बनी सलबा और बनी मोहरबा के दरमियान गजवा जी अमर या गजवा गुफ्तान 3 हिजरी रबीउल अव्वल में यह हुई थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 450 साथियों के साथ दिफा के लिए निकले मगर जो दुश्मन था वो भाग गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेट विद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन विच हेवन।
तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे आसमान पर हुई। ओहद जो है ये मदीना से 3 माइल यानी के 4 किलोमीटर के फासले पर वाक्या है। वट इज द नेम ऑफ द 23rd पारा ऑफ द होली कुरान? तो कुरान मजीद के 23वें पारे का जो नाम है वो ममालिया है। ममालिया अब्दुल्लज़ी फतरानी वाइलैही तुरजाउन विच कैलिफ फॉर्म्ड अ पार्लियामेंट नेम नेमली मजलिस-ए-आम। मजलिस-ए-आम का जो क्याम है ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो अमल में लाए। टू सिट स्ट्रेट इन सलात इज कॉल्ड एज, नमाज में सीधे बैठने को कादा कहा जाता है। इन विच हिजरी गजवाए खैबर वाज फाउट, तो गजवाए खैबर जो है ये 7 हिजरी में लड़ी गई। हुमस का मतलब होता है 1/5 हिस्सा। मोतसम बिल्ला का जो असल नाम था वो अबू इसहाक मोहम्मद इब्ने हारून रशीद था। अब्दुल रहमान अल दाखिल ये स्पेन में मुसलमानों के पहले खलीफा थे। हाउ मेनी इयर्स डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच इस्लाम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की जो तबलीग थी वो 23 साल तक की थी, जिसमें 13 साल मक्का में और 10 साल उन्होंने मदीना में गुजारे थे। अफजलुल बशर इज द टाइटल ऑफ, तो अफजलुल बशर जो है ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो लकब है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेबर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मॉस्क? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली मस्जिद की तामीर की थी वो मस्जिद कुबा की तामीर की थी, और ये इस्लाम की पहली मस्जिद भी है। जबकि अगर हम जमीन पर पहली मस्जिद की बात करें तो वो मस्जिद हराम है, जिसके जो टोटल दरवाजे हैं वो 25 दरवाजे हैं। द स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड एज थियोलॉजी, मजहब का जो मुताले है वो थियोलॉजी कहलाता है। Who was the commanders of the infidels in the battle of Uhud? तो इसका right option है अबू सुफियान। कुफार में जंगे ओहद का जो सरबराह था वो अबू सुफियान था। कुरान का मतलब होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। किताबुल खराज ये अबू यूसुफ की ये तसनीफ है। After the battle of Yarmouk, which was when the Muslim Khalid bin Walid was removed by the caliph Umar رضی اللہ تعالی عنہ from his supreme command, the new supreme commander was, تو اس کا right option ہے ابو عبیدہ. In which surah of the holy Quran mentioned that the number of months are 12? تو سورہ توبہ میں تمام 12 جو اسلامی مہینے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. How many takbirs are in نماز جنازہ؟ تو نماز جنازہ میں ٹوٹل 4 تکبیریں ہوتی ہیں. احسن القصص جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ٹائٹل ہے. Which is the old name of اسلام؟ تو اسلام کا جو پرانا نام ہے وہ دین حنیف ہے. زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا یا رک جانا. حضرت خالد بن ولید نے جو اسلام تھا وہ 8 ہجری میں قبول کیا. سورۃ الناس اور سورۃ فلق قرآن مجید کی جو آخری 2 سورتیں ہیں ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری یہ قبیلہ ابن غفار میں سے تھے، ان کا جو انتقال تھا وہ 652 اے ڈی میں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جس میں حبیل، قبیل اور شیش تھے. حضرت اس میں جو حبیل تھے انہوں نے قبیل کو قتل کیا، اور سب سے جو ان کا چھوٹا بیٹا تھا شیش اس کو نبوت بھی ملی تھی. محرم رضائے نبوت is the title of، تو محرم رضائے نبوت جو ہے وہ حضرت حذیفہ بن الیمن رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے. What was the biggest religion of Arab people before Islam؟ تو اس کا right option ہے idol worship، یعنی کہ اسلام سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. جو عورت تھی اس کا کوئی بھی معاشرے میں مقام بالکل بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ جو لوگ تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے تشریف لاتے ہی عرب کی تقدیر بدل گئی، زمانہ جہلیت بدل گیا. Name the first person who received
who received 3 blows of arrows during prayer but did not discontinue his prayer. तो इसका राइट ऑप्शन है हजरत अबाद बिन बशर. किताबुल शमाइल रिलेट्स ऑफ टू, तो इसका राइट ऑप्शन है लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. हाउ मेनी स्टोन्स आर थ्रोन एट द जुमरात इन हज रिचुअल, तो इसका राइट ऑप्शन है 7 स्टोन्स. द बैटल ऑफ ओहद वाज फाउट इन विच हिजरी, जंगे ओहद जो है वो 3 हिजरी में लड़ी गई. सूरह लुकमान जो है इसमें वालदैन के हकूक के बारे में बताया गया है. व्हाट वाज द एज ऑफ द हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु व्हेन ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो उनकी जो उम्र मुबारक थी वो 32 साल थी. शेखुल अंबिया जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है. ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जो मदद थी वो 1000 फरिश्तों से की थी. हजरत फातिमा को खतून मदीना और खतून महशर भी कहा जाता है. द पनिशमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन इन कुरान, तो इसमें से इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 39. बैटल इन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम नॉट पार्टिसिपेटेड इज नाउन एज, तो ऐसी जंगें जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बजाते खुद हिस्सा लिया हो तो उनको गजवा कहा जाता है, और ऐसी जंगें जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद हिस्सा ना लिया हो तो उनको सीरिया कहा जाता है. इन वी सूरह द रेगुलेशन फॉर प्रिजनर्स ऑफ वार इज मेंशन्ड, तो इसका राइट ऑप्शन है सूरह निसा. नेम द माउंटेन वेयर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिप्यूटेड 50 स्किलफुल आर्चर्स तीरंदाज इन बैटल ऑफ ओहद, तो इसका राइट ऑप्शन है जबले यहनीन. हजरत खदीजा की जो वफात थी वो 65 बरस की उम्र में हुई थी. हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो यकम हरमुल हराम 24 एनो हिजरी को ये शहीद हुए. जंगे कुदसिया में हजरत साद बिन अबी वकास ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुसलमानों की आर्मी का कमांडर बनाया. सेक्लूजन जो है इसका मतलब होता है ऑर्डेंट. सेक्लूजन इज सुन्ना इन द मंथ ऑफ रमजान. Another kind of seclusion is wajib and its meaning is, तो इसका मतलब होता है ordained. तो हादी का मतलब होता है animals to be sacrificed. ऐसा जानवर जिसको कुर्बान किया जाए तो उसको हादी कहा जाता है. Analogy synonym of, तो इसका right option है कियास. Sixth कलमा जो है उसको रद्दे कुफर कहा जाता है. हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर भी कहा जाता है. विच वन इज कॉल्ड एज दी मशाउर हराम, तो इसका राइट ऑप्शन है मुजदलफा वैली. गजवाए बदर जो है वो 3 दफा लड़ी गई थी. जन्नतुल बकी इज आ, तो इसका राइट ऑप्शन है सीमेंट्री. तो जन्नतुल बकी जो है ये ओल्डेस्ट और फर्स्ट डिजाइनेटेड मुस्लिम सिमेंट्री है जो कि मदीना में वाक्या है, और मक्का का जो कब्रिस्तान है उसको जन्नतुल मौला कहा जाता है. देर आर हाउ मैनी फर्ज इन गुसल, तो गुसल के 3 फर्ज होते हैं. सूरह कौसर की हर आयत जो है वो रे पर खत्म होती है, यानी कि इन्ना आतीना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अब्तर. The second daughter of Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam was, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो दूसरी बेटी है उसका जो नाम है वो हजरत रुकैया था. जमादियुल अव्वल जो है वो इस्लामी कैलेंडर का 6 महीना है. कुरान मजीद में शब्बे कदर जो है ये बेहतरीन रात के नाम से इसका तज़किरा किया गया है. विच इज द अटोनमेंट फॉर ब्रेकिंग द फास्ट, तो रोजा तोड़ने का जो कुफारा है वो 60 लोगों को खाना खिलाने के बराबर है.
रमजान का जो पहला अशरा है उसको अशरा रहमत कहा जाता है, दूसरा अशरा जो है उसको मगफिरत कहा जाता है, जबकि तीसरा अशरा जो है उसको निजात कहा जाता है। तो इस्लाम के जो पहले खलीफा हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक हैं, तीसरे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और चौथे जो हैं वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। व्हाट वाज द थर्ड सन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे का जो नाम था वो हजरत अब्दुल्ला था। हाउ मेनी सन्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड विद हजरत मारिया अल किब्तिया? तो इसका राइट ऑप्शन है वन। एट वाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आठवीं बीवी का जो नाम था वो उम्मे हबीबा था। हाउ मेनी टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज रिपीटेड इन द होली कुरान? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो कुरान मजीद में इसका 14 मरतबा जिक्र किया गया है। विच सूरा इज द नेम ऑफ ओनली होली वॉर? तो कुरान मजीद में जंग के नाम से सिर्फ एक ही सूरा है जिसको जो कि सूरा अहजाब है। 16वें पारे का जो नाम है वो कल अलम है। द फर्स्ट फीमेल फॉल्स प्रोफिटेस इज? तो इसका राइट ऑप्शन है सजा बिनत हारिस। माइग्रेशन के बाद पहला जो बच्चा पैदा हुआ था उसका जो नाम था वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर था, अब्दुल बिन जुबैर था। नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ हेल आर? तो दोजख के फरिश्तों की जो तादाद है वो 19 है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई तो उस वक्त हजरत खदीजा की जो उम्र थी वो 40 बरस थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो 25 बरस थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ हजरत खदीजा फादर? तो हजरत खदीजा के जो वालिद का नाम था वो खुवैलिद बिन असद था। व्हाट आर द एक्सेम्प्ट फ्रॉम रमजान फास्टिंग? तो इसका राइट ऑप्शन है सेनिलिटी एंड ओल्ड एज, प्रेगनेंसी एंड ब्रेक एंड ब्रेस्ट फीडिंग, सिकनेस एंड ट्रेवलिंग। वेयर इज द ग्रेव ऑफ हजरत जिक्रिया? तो हजरत जिक्रिया का जो मकबरा है वो सीरिया में है। अ मेल इज कन्फाइंड इन हाउ मेनी ड्रेस्ड शीट? तो इसका राइट ऑप्शन है 3। 11, 12 और 13 जिलहज के जो अयाम हैं इनको अयाम तशरीक भी कहा जाता है। हजरत याया अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे आसमान पर हुई। वाकई करबला जो है वो 61 हिजरी में हुआ। जन्नत जो है वो माँ के कदमों तले है। तकबीर तशरी जो है वो ईद उल अज़हा की नमाज में अदा की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक में 20 दिन तक क़याम किया। मुजद्दद अलिफ सानी का जो टाइटल, शेख अहमद सरीहंदी का जो टाइटल है वो मुजद्दद अलिफ सानी है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ क्लाजेस ऑफ चार्टर ऑफ मदीना? तो मदीना के चार्टर की जो टोटल क्लाजेस थी वो 47 थी। द पीरियड ऑफ रेन ऑफ अबू इसहाक मोहम्मद इब्ने हारून रशीद इज? तो हारून रशीद, अबू इसहाक मोहम्मद हारून रशीद का जो दौर था वो 796 से लेकर 842 तक रहा। द उमैयद कैलिफेट वाज ओवरथ्रोन इन 1751 AD बाय अबासिद आफ्टर दी? तो इसका राइट ऑप्शन है बैटल ऑफ सैफ। एंड थैंक यू वेरी मच।